क्लास में तो प्रैक्टिस कर रहे हैं या नया कोई सब्जेक्ट? नया है मेरा यार। नया नया कोई सब्जेक्ट तो नहीं हो ना, आगे पार्ट पीछे डिपार्ट किस तो किस चीज के नंबर देखते हैं आप लोगों को? थ्योरी कुछ सिखा दी मैम ने? हेयर इसका हेयर स्पा का राइट? हेयर स्पा का फीवर सर जी ना, फिर हेयर स्पा हो गया मैम, लेकिन वापस हेयर स्पा का फीलिंग डेमो होती है नहीं हुआ थोड़ा मैम, कम हेयर रहता ज्यादा है हमारे फाइटिंग हो हाउस गया। हमेशा। अच्छा हेयर स्पा का डेमो हो गया? नहीं हेयर स्पा का डेमो नहीं हुआ है, नहीं करना है क्या? नहीं प्रोडक्ट किया नहीं सबसे गंदे बाल किसके हैं? सबसे गंदे बाल नहीं आपको तो आपके पास कलर के डेमो चलेगा ना। बहुत बिजी हो गए हैं मेरे कलर करने में। मेरे पतले भी है, डांडर भी है ओके मेरे, तो करो कॉलेज किसको करना करना है क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। मेरे जैसे दिक्कत को होता ब्रश बाउल सब ले आया, पानी है ना चालू? साधन में हेल्थ पर अगर डेमो करेंगे और हेल्थ पर के बारे में सुनिए पर करके डेमो करेंगे और आज के बारे में बात करते हैं।
तो इसका नाम क्या है? राइट, तो आपको फ्रिज कैसे करनी है, जैसे सामने वाले मान लो मुझे देखकर कोई भी चीज हल्ला नहीं करो या म्यूट करो, ऑन है यहाँ पर, म्यूट कीजिए या बर्तन अपने बंद करो, घर बनाना म्यूट कर दो। ओके, सो आयुर्वेदिक हेयर स्पा क्यों बोल रही हूँ मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम निकाल के क्लास में आई, मैंने देखा नहीं मेरा एक शब्द भी खराब जाए इसीलिए, ठीक है, बुरा लगा हो तो दो रोटी ज्यादा खा लेना, ठीक है, हमें साथ ही बुरा लगे और अगली बार से ध्यान रखें, ठीक। ओके, सो आयुर्वेदिक हेयर स्पा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और इसका जो थेरेपी है वो आयुर्वेद से लिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट का ना प्रोसेस है और ना ही कोई केमिकल इसमें हम डाल रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हम डालेंगे, आयुर्वेदिक हेयर स्पा। बोलते वक्त भी पूरा नाम बोलना है, नो शॉर्टकट, जब हम शॉर्टकट पे जाते हैं तो हमारा काम भी शॉर्टकट हो जाता है, हमारी इनकम भी शॉर्टकट हो जाती है, तो हमें हर चीज को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे काम करना है। तो हर्बल की जगह क्या लिखेंगे, अब इसमें क्या क्या बताया था मैम ने, स्किन के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, जिसके बाद हेल्दी है। कई बार होता है कि हम लोग बोलते वक्त अपने आप को ही इस तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं कि सामने वाला बोलता है कि मुझे तो जरूरत ही नहीं है, अगर हेल्दी हेयर है तो किसके लिए रखना है उसको यूज करना है, ताकि वो मेंटेन रहे, हेल्दी हेयर हेल्दी ही रहे, राइट, इसलिए हेल्दी हेयर पे करना है। दूसरा जो है डैमेज हेयर, डैमेज हेयर में कौन कौन से आते हैं, जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनके बाल डैंड्रफ वाले हैं, जिसके बालों में जान चली गई है, जिसके बालों में केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है, मतलब कोई भी वो बाल जिसमें किसी भी कारण से डैमेज है उसके लिए यूज होता है। तो आप लोग शॉर्ट में क्या बात करेंगे, एक है नॉर्मल हेयर, नॉर्मल टू हेल्दी हेयर, उनको भी काम करता है, और ऑल टाइप ऑफ डैमेज है, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ डैमेज है, क्योंकि हम अपनी बातों को जितना कंस्ट्रक्टिव और जितना शॉर्ट रखेंगे वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव होंगी, ठीक है। चूंकि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग की हूँ तो मैं हमेशा आप लोगों को अपने आप को पोजीशन कैसे करना है मार्केट में वो भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ऑल टाइप ऑफ डैमेज है, राइट, तो ज्यादा लंबा बोलना पड़ा, नो राइट, मगर सारी चीजें कवर हो गई, राइट, तो वैसे ही हमको अपनी बात प्रेजेंट करनी है। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, मसाज, क्या मसाज ऑयल से मसाज केमिकल में अलाउड है, नहीं। हाँ, मैंने आयुर्वेदिक क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो है पूरा मसाज हम लेते हैं किस चीज से, ऑयल से, ऑयल्स में कौन कौन से ऑयल डालते हैं वो भी लगा के दिखाएंगे हम लोगों को, ठीक है, तो इसका पूरा पैकेज से लेके सारी चीजें मैं बता देती हूँ। अब इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है आप लोगों को नोट कराया है, yes. क्या क्या होता है, ओके, आपके इस पैकेट दिख रहा है, इसमें जो दो ग्रीन और ये येलो जो बड़े वाले कैप्सूल दिख रहे हैं ये क्या है, विटामिन डी, और जो छोटे वाले गोल्डन कैप्सूल दिख रहे हैं वो क्या है, फ्लैक्सीड ऑयल, और ये ग्रीन वाले, अब ये कैप्सूल फॉर्म में है बट जब हम यूज करेंगे तो इसको ये पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, राइट, तो ये है सारे कैप्सूल्स, कितने लेना है एक आयुर्वेदिक हेयर स्पा के लिए, दो की क्वांटिटी, ठीक है, अगर हमें प्रॉपर रिजल्ट देना है तो हमें क्वांटिटी कितनी डालनी है, दो दो की, अब हम शॉर्टकट के लिए वंदन कर सकते हैं बट जो रिजल्ट आता है एक्चुअल में रिजल्ट आता है वो दो दो से आता है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा ऑयल बताया मैम ने, सलोन ऑयल क्यों बताया, एक चीज, दूसरा आलमंड एक्सट्रैक्ट है, और तीसरी चीज बहुत पतला है, थिन है, ठीक है, जब कोई पतली चीज हम स्कैल्प पर डालेंगे तो क्या होगा, वो आसानी से अब्सॉर्ब होगी, यही अगर अगर यही पे थिक वाला होता तो क्या होता, आसानी से पेनिट्रेट नहीं होता, राइट, तो ये जो है पतला है, थिन है। इसके बाद में एक और चीज बताई होगी,
क्या था वो टी ट्री ऑयल। क्या फायदे हैं? अच्छा टी ट्री ऑयल के इसमें जो फायदे हैं वो मैं बता दे रही। बहुत सारे लोगों के स्कैल्प में स्क्रैच होते हैं, डैंड्रफ होता है, बहुत सारे लोगों के स्कैल्प में एक वो आ जाता है, कील टाइप आती है, थोड़ा सा वो आ जाता है, या कोई भी स्कैल्प से रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, डस्ट इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, इवन डैंड्रफ हो, कुछ भी हो, सब चीजों के लिए काम करता है टी ट्री ऑयल। ये तो हो गया आयुर्वेदिक हेयर स्पा और कलर में यूज करने वक्त इसका फायदा। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फायदा है वो है इसके 108 फायदे। सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, उसके बाद में बच्चे लोग चोट लगा के आ जाए, कोई कीड़ा काट ले, जल जाओ धोखे से, कुछ भी हो जाए, ये इसको हम लोग कहते हैं मिनी डॉक्टर। अगर बच्चे को बुखार है ना, दवाई बाद में खिलाना, पहले इसको लेना, थोड़ा सा हाथ में ब्लेंड करना और छाती पे, पीठ में, पैरों में अच्छे से सिर पे लगा देना और सुला देना उठा के, आधा घंटे में बच्चा खेलने लगे, अगर नॉर्मल बुखार है। ठीक है, अगर हमको ये बुखार है तो पहले दवाई खाने की जगह इसका इस्तेमाल करके देखो, मैं भी ठीक हो जाओ। सर्दी हो रही है, ठीक, इससे भाप ले सकते हो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, पॉइंट्स मैं बता दूंगी कौन कौन से पॉइंट पे लगाना होता है, उसे ठीक हो जाएगा। इसके इतने सारे यूज है, कीड़े ने काट लिया, कोई भी इन्फेक्टेड कीड़ा हो, ठीक है, उसने काट लिया, एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, इंटरनल देखो एक्सटर्नल यूज के लिए इसके कुछ भी हो जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे छोटे छोटे इतने सारे बच्चे हैं जो इसके फायदे बताते हैं, जब मैं गिर जाती हूँ तो मम्मा लगा देती है, जब मेरे को कुछ कट जाता है तो मम्मा लगा देती है और मैं ठीक हो जाती हूँ, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इसके मल्टीपल यूजेस हैं। अभी आपने पूछा इंटरनल यूज है क्या? नहीं, ठीक है, इंटरनल यूज नहीं है, मगर बहुत सारे लोग अगर दांतों में दर्द है तो पेस्ट में इसको मिक्स करके सूरों की मसाज करते हैं और पूरा बाहर कर देते हैं। अगर वो पर्पज से कोई यूज कर रहा है तो पूरा मुंह का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो भी ये ठीक करता है, बट सावधानी के साथ। वैसे तो कोई नुकसान नहीं होगा, अंदर चला भी गया तो कोई इसमें वो नहीं है, मगर फिर भी सावधानी के साथ। तो ये दांतों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, पेस्ट में मिक्स करके, और उसे रिलीफ मिलता है। बट ये मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो सबके कारण पता चल गए हमको। ठीक है, उसके बाद छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, ये एक है रिवाइटलाइजर है, इसमें 27 हर्ब्स है, कितने 27 हर्ब्स है, ठीक 27 हर्ब्स है। इन हर्ब्स का काम क्या है? हमारे बालों को न्यूट्रिशन देना, हमारे बालों को स्ट्रेंथ देना, उसके साथ साथ में नरिश करना, इसके मल्टीपल फायदे हैं। ठीक, क्योंकि इसमें 27 हर्ब्स है, सारे के सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है, ठीक है, ये कोई कलर नहीं लाता, ठीक है, ये बस आपके बालों को हेल्दी करता है। अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो मेरी गारंटी है कि 12 सिटिंग्स उसकी करा दो। अगर एक्सटर्नल कारण है, मतलब बाहरी कारण है बाल झड़ने का, गारंटेड उसके बाल झड़ना 100% रुक जाएंगे, बट इंटरनल कारण है तो कम हो जाएंगे। वर्ड्स हमेशा ध्यान से बोलना, क्या? अगर इंटरनल कारण है तो कम हो जाएंगे, और एक्सटर्नल कारण है तो 100% पूरी तरह से डैंड्रफ और बालों का हेयर फॉल रोक देगा। पहली बार में ही रिजल्ट आता है बस, बट इसका अगर 12 सिटिंग्स का कोर्स करवाते हो तो बालों की जितनी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? कोई सवाल? नो मैम। हाँ, मैं चाहती थी सवाल आए। ठीक है, ओके। महीने में शुरुआत में वैसे तो हम लोग बोलते हैं हफ्ते में दो बार, पर लोग अफोर्ड शायद ना कर पाए, हफ्ते में एक बार भी बोल सकते हो। शुरुआत के 6 सिटिंग हफ्ते में दो बार होने चाहिए कायदे से, उसके बाद में हफ्ते में एक बार 3 सिटिंग, और फिर 15 दिन में एक बार 1 सिटिंग, ऐसे 12 का कोर्स कराना है जिसको भी करवाना है, बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ये जाएगा। अच्छा, अब आ जाती है इसकी कॉस्ट क्या आती है। ठीक है, और शॉवर कैप कंपल्सरी है। क्यों शॉवर कैप कंपलसरी है? क्योंकि शॉवर कैप लगाने से जो हम हर्ब्स लगा रहे हैं उन हर्ब्स में हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट की वजह से क्या होगा, स्कैल्प में उसका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा हो जाए, राइट? तो मैंने हर चीज के आप लोगों को साइंटिफिक कारण बताए, किस किस का क्या क्या इस्तेमाल है। थ्योरी ऑलरेडी मैं नोट करा चुकी है, अब हम आज देखेंगे डेमो। मुझे एक जन हेल्प के लिए चाहिए बेटा।
ठीक है। अच्छा इसका प्राइस ज्यादा है? हाँ, ओके। ये अगर आप पूरा एक सेट लेते हो जिसमें एक टिची ऑयल है, एक सलोन ऑयल है, दो 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 दो, ये तीनों कैप्सूल्स हैं, शावर कैप है, ये पूरे की कॉस्ट जो आती है वो आती है होलसेल प्राइस में 480। ठीक है, कितने में? 480 एक सेट ले रहे हैं तो। मगर यहीं पर 12 का सेट, 10 का सेट ले रहे हैं, ठीक है, तो 10 के सेट में अंदाजन 3 बॉटल हेयर ऑयल लगता है, ठीक है, उसके बाद में ये 10 पाउच लगते हैं, उसके बाद में टीटी वाल तो एक ही लगता है, ठीक, 10 शॉवर कैप लगते हैं और 10 रिवाइटलाइजर लगता है। कोई गैस करेगा? एक की कॉस्ट 480 रुपए है और 10 की कॉस्ट क्या होगी? ठीक है, 10 की कॉस्ट है मात्र 1260 रुपए। ठीक है, क्यों कम हो गई कॉस्ट? क्योंकि वहां पर टीटी ऑयल एक पे भी एक लेना पड़ा और यहाँ 10 पे भी एक लेना पड़ा, इसलिए इसकी कॉस्ट कम हो गई सीधे सीधे। तो 1260 रुपए में 10 होते हैं, ठीक है, 1200। पहले गणित बता दो या पहले शुरू करो डेमो? पहले शुरू करो, ठीक है। अच्छा हमारे पार्लर में हम कितना चार्ज ले रहे हैं इस हेयर स्पा का? कुछ लोग ले रहे हैं, लोग मिडिल क्लास है, ज्यादातर लोग मिडिल क्लास है, अफोर्ड नहीं आ चुके, ठीक है, तो वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों ने इसका चार्ज रखा है 2000 और अभी हम लोग ऑफर चला रहे हैं 800। अभी ये तो अभी हम लोग जो चार्ज ले रहे हैं वो है 800, ठीक है। अगर 1260 रुपए का 10 का सेट है तो एक की कॉस्ट क्या आई? 126 रुपए। सिंपल, 126 रुपए एक की कॉस्ट आई। इसमें अंडे मिक्स करने पड़ते हैं दो, ठीक है, ऑयल तो ऑलरेडी है इसी में है, तो आपकी सब मिला के कॉस्ट आई 150 रुपए मान लो मोटा मोटा, ठीक है, 150 रुपए आपकी कॉस्ट आई, 50 रुपए आपने मेहनत वगैरह मतलब जो भी ऑपरेट कर रहा है, तो टोटल हम मान लेते हैं 200 रुपए, पानी है बाकी सब चीजें है, तो 200 रुपए हमारी कॉस्टिंग आई। हम लोग 800 रुपए चार्ज कर रहे हैं पार्लर में, आप लोग घर पे या आसपास में कर रहे हो तो भी 500 से कम मत ले, ठीक है, 500 भी लिया तो क्या हो रहा है, आपने 150 रुपए लगाया और 500 रुपए कमाया, मतलब हर है इस स्पा पे 3500 रुपए। और कोई एक एक आध कोई है ऐसा जिसके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हेयर फॉल्स नहीं होता? ओके, तो आपके यहाँ पानी कौन सा आता है बेटा? कॉर्पोरेशन का, इसीलिए, ठीक है, पूना में ही अकेले इंसान के लिए मुझे आता है, ठीक है, मैं कम से कम नहीं तो 4-5 लोगों के साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेरा कनेक्ट हो चुका है, तो ये पहले इंसान मिले जिसने कहा मेरे बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज हर किसी के बालों में प्रॉब्लम है, इवन मेरे बाल बहुत हेल्दी है स्टिल मुझे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है क्योंकि मैं रेगुलर नहीं कर पाती, राइट, तो वो जो चीज है कि बालों की प्रॉब्लम हर एक इंसान को है, किसी को कम है किसी को ज्यादा है, बट है, तो हमारे लिए मार्केट कितना बड़ा है, आप जितने लोगों को जानते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब आपका मार्केट, करना क्या है, शुरुआत के कुछ आजू बाजू की भाभियों को पटाना है, करना है, और उनके बाद में जब उनको अच्छा लगेगा तो उनकी बहुत सारी भाभियां आ जाएंगी, उनकी भाभियां आ जाएंगी, आपका मल्टीपल शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो आप अगर 10 का ले रहे हो तो 10 से कितना बन जाएगा आपका पैसा? 1260 की जगह 5000। मैंने कहा था ना कि आप लोगों को कैसे कमाना है वो मैं सिखाऊंगी, ठीक है, तो मेरी हर क्लास में कमाई सिखा रहे हैं, हमारे बाल में जो जो प्रॉब्लम बताए ऐसे ज्यादा कुर्ची
और ये सब कितने वाला हिस्सा होता है, क्यों कितने बांधते हैं, तो हम लोगों ने देखा होगा अप्रैल कई लोग कितने से बांधते हैं, तो बांधने से अप्रैल बांधने का सही तरीका ये है। दो दो कवर कपड़े ओके। तो बालों के रफ है, बहुत घने भी है और रफ भी है, और बालों में कितनी घटना, ये है हमारी मॉडल के हेयर, इनके बाल हैं आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत रफ हैं, फ्रीजी हैं, ठीक है, डैंड्रफ भी थोड़ा बहुत है, और कितने दिन से वॉश नहीं है ना, बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि वर्जन में अभी तक कोई केमिकल नहीं लगाया है, पर बाल बहुत फ्रीजी है, रफ है, जो होता है ना कड़क वो है, बहुत अच्छे हैं आपके घने। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, मैं थोड़ा देसी टाइप की इंसान हूँ, इसलिए मैं देसी अंदाज में हेयर ऑयल लगाना सिखाऊंगी आप लोगों को, बाकी जो नॉर्मली हेयर ऑयल लगाया जाता है वो कॉटन से लेके लगाया जाता है, बट वो तरीका मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगता है और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मतलब कोई लीक हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाउल में ऑयल निकालेंगे। अच्छा ये बाउल का सेट लिया बेटा, एक बार जो सबको दिखा देते हैं, ठीक है, तो मैंने कितना ऑयल लिया, लगभग 30-40 ml, राइट, ये ऑयल लिया मैंने, इसके बाद में मैंने इसमें क्या लिया, अरे सारे क्या बोलते हैं, ठीक है, तो मैंने इसमें ये कैप्सूल का पाउडर फोड़ के इसमें डाल दिया, दोनों कैप्सूल का, उसके बाद में मैंने विटामिन ई के दोनों कैप्सूल लिए और दोनों कैप्सूल इसमें डाल दिए, अच्छा आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, नीचे मैट, तो कल बहुत सारे लोगों ने इंफेक्शन लिए होंगे और उसके बाद बाल नीचे छोड़ दिए थे, प्लीज सफाई का थोड़ा ध्यान रखिए, क्लास में हमको ये टाइम बिताना है, तो जो भी कचरा होता है वो डाल के जाइए, और चूंकि नीचे मैट है तो जब आप प्रैक्टिस करोगे नीचे चीजें गिराओगे तो सब लोग अपना अपना एक छोटा छोटा कुछ नहीं प्लास्टिक कुछ ले आया कीजिए, तो जहां पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे बिछा लीजिए और जाते वक्त उसको डस्टबिन में डाल दीजिए, ठीक है, मतलब प्लास्टिक ले जाइए फोल्ड करके कचरा डस्टबिन में डाल दीजिए, क्योंकि 6 महीने हमको इस क्लास में रहना, अगर हम खराब कर रहे हैं मैट को तो हमारे लिए दिक्कत होगी ना, सफाई का प्लीज ध्यान रखना है सबको। आज पानी वाला लाया नहीं है, आने वाला होगा, आज थोड़ा सा पानी का इशू है, उसको परसों आने वाला था, आया नहीं है, इतना बड़ा कुछ
तो ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से हमने क्या करना है, मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में पूरा मिक्स हो गया अच्छे से, आप लोग इस स्टाइल से मत करना, मैं तो गिरा दूंगी, अपने हाथ से डाल के मिक्स कर लेना है। मेरे यहाँ 3 डेमो है, ठीक। तो ये पूरा घुल गया, राइट। अच्छा, अब एक तरीका क्या है, कॉटन लेना है और सेक्शन निकालने हैं और उसमें जाना है। मैं अभी आपको एक और दूसरा, क्योंकि हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो हम आयुर्वेद के साइंटिफिक तरीके से काम करेंगे। आप लोगों ने हिंदू धर्म में जब मुंडन होता है तो शिखा छोड़ी जाती है, देखा होगा, सबने देखा होगा, मुंडन के बाद नहीं है, क्यों छोड़ी जाती है, कोई बताएगा मुझे? सेंटर में, क्यों छोड़ी जाती है, क्यों छोड़ी जाती है, किसी को पता है? ओके, रीजन क्या होता है कि हमारे स्कैल्प को बाल क्या करते हैं, प्रकृति ने बाल क्यों बनाए, क्योंकि नमी भी अंदर आसानी से जाए, ऑक्सीजन भी जाए, फोर्स होते हैं ना, तो अगर जब पूरा चिकना हो जाएगा से तो वहां पे हवा नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, इस वजह से शिखा छोड़ी जाती है। हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें साइंटिफिक है, उनमें से एक ये भी साइंटिफिक चीज है, शिखा छोड़ी जाती है। शिखा और जो पॉइंट होता है ना, वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। शिखा वाला जो पॉइंट होता है हमेशा ये होता है, क्योंकि यहाँ से जब कोई चीज अंदर जाती है तो वो आसानी से पेनिट्रेट हो जाती है, राइट। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पूरा ऑयल हम डालेंगे वो यहाँ से डालेंगे, मैं शिरोधारा की तरह इस ऑयल को डाल के दिखा रही हूँ। अभी मैंने इतना तेल लौटाया, आप सिर के किसी दूसरे हिस्से में इतना तेल लौटाइए, पूरा चेहरे में आ जाएगा, बट इनका कहीं और नहीं गया, पूरा स्कैल्प में ही गया। आया मैम चेहरे पर कुछ, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑयल हम यहाँ डाल के स्प्रेड कर लें। ये मेरी स्टाइल है, आप लोगों की मर्जी, आपको कौन से करना है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक ही जगह से पूरे में डाला और हम इसको आगे जो है मिक्स करो, थोड़ी चेयर आगे ले लें, थोड़ी सी मैम, बस आप जो हमारे लगा सकते हैं, मैंने अभी बोला ना कि आप चाहो तो कॉटन से कितना सारा तेल लगाया मैंने, कहाँ गया पूरा स्कैल्प, हमें चाहिए कहाँ था, ठीक है। अब आप लोग अपने हिसाब से, बट कुछ कुछ क्लाइंट रिपीट करते हैं तो फिर क्या कहते हैं, ठीक है भैया आप देख लो 200 रुपए और कम देते हैं, तो हम 1400 रुपए लेते हैं अगर हम 2 पैकेट यूज कर रहे हैं, ठीक। अभी हमारे यहाँ बच्चे तो किसी किसी के बाद बहुत हेल्दी आ जाते हैं, तो परसों 2500 रुपए लिया था, 3 पैकेट यूज किए थे, ठीक। आपने देखा पूरा तेल एक ड्रॉप भी कहीं गया, पूरा तेल आसानी से पालों में चला गया, कितने सालों से तेल नहीं डाला मैडम, मैम ऑयली ज्यादा डालती हूँ, बहुत जल्दी। सो अभी भी मुझे कम लगा, हमने हेयर स्पा के लिए बालों को एकदम तर करना है, ठीक है, तेल में तर करना है, ओके। हेड मसाज नेहा आपको सिखाएंगी, जो टेक्निकल तरीका है वो, बट मैं एक तरीका सिखा देती हूँ आप लोगों को जिससे घर वालों को पटा सको,
कुछ भी काम के लिए, मतलब शॉर्ट एंड रिलैक्सिंग, ठीक है? तो सिखा दो मसाज क्लियर होगा। ओके, सबसे पहले हमेशा मसाज शुरू जो होती है वो फोरहेड से होती है, ठीक है? फोरहेड से जब हम मसाज शुरू करते हैं तो ये होता है हमारा बिंदी पॉइंट, राइट? बिंदी पॉइंट के लिए ना, हाँ बिंदी पॉइंट, राइट? यहाँ से क्यों शुरू होता है? क्योंकि यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको हम रिलीज करते हैं, कैसे? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कितनी बार? कम से कम 5 बार, फिर बाकी जितना भी आप करना चाहो। फिर सेम चीज, अभी जितना हमारे उंगलियों की दूरी है उतने ही दूरी पे आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे क्या किया? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पूरा। अच्छा, जब भी हेड मसाज कर रहे हैं कनेक्ट नहीं तोड़ना, मेरा एक हाथ से मसाज हो रही है और दूसरा हाथ सर पे है, राइट? अब ये वाले हाथ से करूंगी तो ये हाथ हाथ पे से रहेगा, क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर मैंने टच किया है किसी को तो मेरी एनर्जी भी उनमें जा रही है। अब उस समय पे ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव। अगर आप चाहते हो कि आपका क्लाइंट सेटिस्फाई हो, सिर्फ रिजल्ट ना हो, ठीक, सेटिस्फाई भी हो, तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव रखना। पॉजिटिव रखने के लिए जब भी आप काम कर रहे हो दिमाग से कचरे बाहर निकाल दो, किसी के बारे में कुछ मत सोचिए, ठीक है? ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे दिमाग में थॉट जब आते हैं तो कई तरीके के आते हैं। दूसरी चीज, 3 बार लंबी सांस लीजिए। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं प्यूरिफाई होती है। जब भी आप किसी को टच करने वाला काम कर रहे हो हमेशा ध्यान रखो कि आप अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। अब आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिव होगी तो आपको पॉजिटिव, कई बार होता है कि दूसरे की नेगेटिव एनर्जी भी आपको चली जाती है, तो उसके लिए आपको अपनी ही लिंग में उतनी रखनी, ठीक है? तो वो हीलिंग कहाँ से होती है? ब्रीदिंग से, ठीक है? ये राइट, ऐसे करके फोरहेड पे हमने लिया पूरा। ये जो मैं मसाज बता रही हूँ ये मसाज कर देना, और जो डिमांड करनी है कर लेना, बच्चों को खाना खिलाना है, उनको सुलाना है, जो करना है कर लेना। मतलब ये मेरा तो कम से कम 15-16 साल रोज की प्रैक्टिस, सोने के पहले बच्चों ने सबने हेड मसाज कराना है, हस्बैंड ने हेड मसाज कराना है, फिर ही सोना है सबने। और ये मतलब मेरे को तेल की बॉटल पकड़ा देना है, और वो अभी भी जब भी बाहर से आते हैं सबसे पहले उनके हाथ में बॉटल होती है, वो हेड मसाज, राइट? तो ये पॉइंट जो है ना, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ नहीं भी करोगे 10 मिनट की मसाज में इतना रिलैक्स हो जाएगा। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू मैम। आप नोटिस करोगे हेड मसाज जब शुरू करते हैं तो गर्म होता है सर, जैसे हेड मसाज एंड होती है तब कंबल लगाता है। हेड मसाज जैसे ही खत्म होती है आपका सिर एकदम ठंडा हो जाता है, और जब ठंडा हो जाए तो टाइम खत्म हो गया है, ठीक है? अब वो किसी का 10 मिनट में भी हो सकता है, किसी का 15-20 मिनट में भी हो सकता है, तो जो टाइम है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है? मैंने इनके बालों को एकदम सर कर दिया है, ठीक है? तो लगभग 50 ml ऑयल हमने डाला है, 100 ml की बॉटल, इसमें भी ऑयल डाला है जो पेस्ट बनाया है। तो पेस्ट में क्या क्या डालते हैं? एक अंडा 1 पैकेट के लिए, 1 बड़ा चम्मच दही, उसके बाद में 1 छोटा चम्मच हेयर ऑयल। पर चूंकि हमने दही को स्किप किया है तो दही की जगह क्या कर दिया है? अंडे डबल। तो अब अगर सवाल ये आएगा कि अंडे अगर नहीं कोई बोल रहा है तो क्या कर सकते हैं? दही डबल, राइट? तो तरीका क्या है? दही, अंडा और तेल, एक बड़ा चम्मच, ठीक है? ऑयल डालना है 1 छोटा चम्मच, अंडा पूरा फोड़ के डालना, पूरा डालना, येलो वाला पांच भी नहीं डालना, नहीं पूरा, अभी डाला था उसने दो, मिक्स करके से मैंने खाया। एक पैकेट के लिए, एक पैकेट के लिए एक अंडा,
एक बड़ा चम्मच दही, एक छोटा चम्मच ऑयल, ठीक है, और दो पैकेट डाले तो अंडे कितने डाले, दो, और दो चम्मच दही, अंडा एक और डाल बेटा, एक अंडा और देना। इनके पास बहुत है। फिर आप बालों को देख के कम ज्यादा चीजें कर सकते हो। अच्छा, इसको लगा के रखने का टाइम क्या है, पूरा पूरा 1 घंटे। अच्छा, इसने ग्लव्स पहने हैं मगर ग्लव्स की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें ना कलर हाथों में लगता है ना कुछ, मगर कभी कभी क्या होता है नेल्स में भर जाता है, तो उसने नेल साफ रखने के लिए ग्लव्स पहन लिए, ठीक है, मैंने नहीं पहने, मैं यहाँ से धो लूंगी। अच्छा, अच्छी बात यह है, आपने नोटिस किया दो अंडे फूटे, नॉर्मली दो अंडे फूटे तो महकता है, यस, ठीक, हमारा पैक रूम है, स्टिल दो अंडे फूटे महक आए, ठीक, पता भी नहीं चला कि अंडे दो फूटे, कारण क्या, डायरेक्टली उसमें डाला, इसके हब्स में इतनी ज्यादा खुशबू है कि अंडे की बदबू खत्म हो जाती है। सेम चीज कलर करते समय, सेम चीज इसके लिए। अगर आपके पास में ताजा दही नहीं है और आपको क्लाइंट को नहीं बताना, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है हमने क्या मिलाया, ठीक है, क्योंकि दोनों भी आपने लगाना भी आपने, ठीक है, क्योंकि बता दोगे तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, नहीं बताओगे तो कुछ नहीं है, रिजल्ट ही आएगा, ठीक है, तो वो जो चीज है, तो अगर अंडे का नहीं बताना है तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महकता बिल्कुल नहीं है सर, कोई भी कितना भी जैन क्यों ना हो उसको पता भी नहीं चलेगा कि अंडा लगा है, राइट, तो वो चीज कोई जैन हो तो माइंड मत करना, मैंने जस्ट ऐसे ही बोला। अब इसको कहाँ लगाना है सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने डैमेज कहाँ ज्यादा होता है, स्कैल्प पे, ठीक, तो स्कैल्प में भी लगाना है और बालों में भी लगाना है, ठीक है, चेयर उधर पे खसका लो ताकि मैं प्रॉपर एक बार कैलकुलेशन हो सकता, ठीक है, कैसे लगे मैम मसाज, मैंने शॉर्ट में ली है, बहुत रिलैक्स वो स्टार्ट करता है, अच्छा मैं ठीक है, 8 से 10 ड्रॉप टी ट्री ऑयल मिलाना, हाँ इसको भी मिलाएंगे तो अच्छा, पैक में ऑयल भी मिलाया है, बट वो कैप्सूल सारे ऑयल में मिला रहे, कैप्सूल पैक में नहीं मिलाना, हमारे यहाँ कुछ बच्चे वो भी मिलाने लगे हैं, पैक में भी मिलाते हैं, नुकसान कुछ नहीं है, हमारा खर्चा बढ़ जाएगा बस थोड़ा सा, नहीं अलग है मुझे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 4 सेक्शन निकालने हैं, तुम जब तक बता रहे हो मैं ओके हूँ, ठीक है, कोई सवाल, देखो जितने ज्यादा सवाल पूछोगे उतना ज्यादा सीखोगे, ठीक है, ये मत सोचो कि मेरा सवाल सही है गलत है, कोई हंसेगा तो नहीं, जो मन में आए ना वो पूछो, बच्चों में यूज करते हैं ये वाला ऑयल, यस, आप साल भर का बच्चा है, क्या चीज, क्या
वो तो आपकी मर्जी है, अगर आपके पास टाइम है आधा घंटे मसाज करने करो ना आधा घंटे, सब रिलैक्स होगा, वो इमीडिएट लगा सकते हैं, बाद में भी थोड़ी देर बाद लगाया तो चलेगा, मगर इतना ऑयल के बाद में अगर कुछ भी काम करेंगे तो ऑयल सब में फैलेगा, इस वजह से, क्योंकि हमने बहुत ऑयल लगाया है और इसमें बहुत ऑयल लगता भी, ठीक है, इस वजह से ऑयल लगा के तुरंत लगाना, रख सकते ये बच्चों के लिए सेफ है, रिवाइटलाइजर 6 साल के ऊपर किसी को भी लगा सकते हो, बट ऑयल जो है वो आप न्यू बॉर्न बेबी को भी लगा सकते हो, इतना से ऑयल में कोई प्रॉब्लम नहीं, टी ट्री ऑयल ब्लेंड करके किसी को भी लगा सकते हो, घर में छोटा बच्चा है ना, आपको दवाइयां बाद में खिलानी है, टी ट्री ऑयल को ब्लेंड करके लगाने का काम पहले कर दीजिए, मैंने इतने सारे बच्चों को दिया है और सबको बहुत फायदा, तो हमारे यहाँ तो मतलब मेरे पर्स में एक बॉटल, घर पे एक बॉटल, बेडरूम में एक बॉटल, ऐसी हर जगह होती है, क्योंकि कुछ भी हो सबसे पहले हमारी नेल इस पे हाथ जाता है, टी ट्री ऑयल, टी ट्री एक पेड़ का नाम है, उसका ऑयल है ये, नीलगिरी अलग चीज है, हाँ फेस के लिए भी आप नाइट क्रीम में या कोई भी क्रीम में मिक्स करके करो, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, फेस का अलग होता है कि ये एक ही बॉटल, मैंने कहा ना 108 यूजेस है इसके, इसको जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, पिगमेंटेशन है किसी को, रैशेस हैं, कुछ भी है, नेपी रैश है, अपने को वाइट डिस्चार्ज होता है तो यूरिन इन्फेक्शन जब हो जाता है, आप गंदे पानी में टी ट्री ऑयल डाल के वॉश कर लीजिए, वो रिलीफ मिल जाएगा, मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगा सकते हैं, लेडीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बरसात के टाइम पे जो होती है वो नेपी रैशेस की होती है, बैटी रैशेस की होती है, तो वो जो रैशेस हो रहे हैं उस समय आप कोई भी मॉइस्चराइजर में टी ट्री ऑयल मिक्स करो, लगा लो, इतना रिलीफ मिल जाएगा कि क्या बताए, अंडर आर्म्स में कभी का डार्कनेस हो रही है तो मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगा लो, इसके जितने चाहो उतने इस्तेमाल कर सकते, मतलब ये आपके एक पर्स में एक घर में कंपलसरी होना चाहिए, कुछ भी हो जाए आपका डॉक्टर का खर्चा बच जाता है, ठीक है, बाय डिस्चार्ज इंटरनल को नहीं यूज करूंगा, मगर बाय डिस्चार्ज के बाद जो इन्फेक्शन होता है अपने को पैरों में वो इन्फेक्शन से रिलेटेड कई बार होता है, मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस भी रहे हैं, अच्छा हाँ इसको हमारे पास में एक लोशन है, मैं भी लेके आती हूँ, अगर किसी को सोरायसिस हो, ठीक है, सोरायसिस मतलब ड्राई स्किन, एक एज के बाद होती है, ड्राइनेस के बाद होती है, और पुणे में बहुत कॉमन है, ठीक है, सोरायसिस वालों को एक लोशन है, बॉडी लोशन है, वो लोशन में टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगा दो, उसको जो दिन में 4 बार मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता था वो 4 बार से 2 बार पे आ जाएगा, और 2 बार के बाद 1 बार पे आ जाएगा, सोरायसिस के लिए मतलब ये मैंने एक एडवोकेट को दिया था, उसके बाद एक बिल्डर को दिया था, उन लोग आज भी उनका रेगुलर डिमांड है उस चीज की कि मैम उससे जो रिलीफ मिलता है वो किसी चीज से नहीं, इचिंग हो रही हो मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगा लो, बॉडी में किसी भी पार्ट में इचिंग हो रही हो, स्क्रैच करने की जगह मॉइस्चराइजर में मिक्स करना है, तो बॉडी लोशन दिखा देती हूँ मैं, आप लोगों को चाहिए होगा तो मंगा भी दूंगी, उसमें मिक्स करना है और लगा दे, कोई भी लेडीज जेंट्स बॉडी का कोई भी पार्ट, हाँ प्रेगनेंसी के दौरान में पेट में जो इचिंग होती है उसमें लगा सकते हो, ये नहीं आएंगे ये तो आप इसका सेल, अच्छा 359 का है, 355 रुपीज एमआरपी है, आप लोगों को 300 रुपीज में आता है, 55 रुपए आपको रिटेल में बचता है सीधा सीधा, तो आप इसके बारे में लोगों को भी बता के, अपने पास में जो बॉटल रखी है इसके बारे में लोगों को बता के ऑर्डर लेना शुरू करो, एक अच्छी कमाई इससे भी हो जाएगी, जो भी आ रहा है कुछ भी हो रहा है मतलब उसको बोलो ट्राई कर दो, किसी को भारीपन लग रहा है मैं अभी हाथों के आती हूँ, आप लोगों को अलग अलग पॉइंट्स कैसे लगाने हैं वो भी दिखा दूँ, पूरा मैं स्कैल्प कवर करके ले रही हूँ इससे, अच्छा किसने कर पूरा कवर करके ले रहे हैं, पूरा स्कैल्प में लगना चाहिए क्योंकि जो भी हमारा टैलेंट है, पानी ऐड तर नाही करू शकत पण त्याने पण रिझल्ट येतो, कसं एवढा येतो
जो मैं बता रही थी, किसी को है इचिंग का प्रॉब्लम, ड्राइनेस का प्रॉब्लम? पापा को है? ओके नहीं नहीं ख्याल पकड़ने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ओके तो अगर आपको चाहते तो अगर किसी को बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो करना क्या है, थोड़ा सा हाथ में लिया और कान का ये पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, ये कान का ये वाला आगे वाला हिस्सा, ठीक, ये और ये, ऑनलाइन वालों को नहीं देखना है क्या? ओके अभी आ रहा है। सो कहाँ पे करना है, ऐसे ब्लेंड करना है दोनों उंगलियों में, कान के पीछे वाला हिस्सा और आगे वाला हिस्सा दोनों साइड में, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से पूरा और पूरे पॉइंट्स पे लेके मसाज करेंगे स्कैल्प में, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, पूरे में थोड़ा थोड़ा लगा के प्रॉपर मसाज कर लो, हेडेक चला जाएगा। अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है या जैसे मैंने कहा यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, बच्चों को स्पेशली गर्ल चाइल्ड स्कूल जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, उनको इन्फेक्शन होता ही है, अभी से छोटे से एक आदत डालिए कि रोज उनको गर्म पानी से, गुनगुने पानी से क्लीनिंग करवाने, उसमें आप उनको बोलो कि बेटा एक मगे पानी में दो ड्रॉप डालो और उसे वॉश कर लो। आप इन्फेक्शन की प्रॉब्लम अगर अभी से हम बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे तो आने वाले समय में जो गायनिक प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो रही है, रेशो कहता है कि पहले 10 में से एक महिला को पीसीओडी का प्रॉब्लम था, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम थी, आज 10 में से 9 को है। अगर किसी के नॉर्मल सब कुछ हो रहा है, इट मीन्स वो 10 में से एक है, बाकी सब 10 में से 9 बिना दवाई के, बिना इलाज के प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या फिर प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अगर हमने अभी से बच्चों को हाइजीन मेंटेन करना, अपना ध्यान रखना, उनका समय पे पीरियड्स आए उस चीज का ध्यान रखना सब शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिक उनकी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं आप लोगों को बीच बीच में न्यूट्रिशन भी सिखाऊंगी, ओवरडोज हो जाएगा अगर अभी सब सिखाने बैठ गए तो, इसीलिए, ठीक है। मेरा न्यूट्रिशन का नॉलेज बहुत अच्छा है जो आप लोगों को आने वाले समय में काम आएगा। अच्छा, अगर कहीं पर भी कोई भी इन्फेक्शन है तो करना क्या है, ये लिया मॉइस्चराइजर, आप लोग सब लोग ये मॉइस्चराइजर ट्राई कर सकते हो और इसमें 1 से 2 ड्रॉप ये लिया है, किसी का हाथ पे ड्राइनेस, हाँ आपके हाथ पे कुछ ड्राइनेस,
ये ब्लेंड किया और ब्लेंड मेरा महीने में करीबन 2 बॉटल। मेरी एज 47 है, स्किन कैसे दिख रही है आज तो मैंने स्लीवलेस नहीं पहना है, कैसी है? उसकी वजह यह है कि महीने में मुझे कम से कम 2 बॉटल मॉइस्चराइजर लगता है। डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, एक ही बार लगाती हूँ सुबह, बस मैं एक हाथ पे लगा रही हूँ मैम। और लगाने के बाद मॉइस्चराइजर को लगाने का तरीका क्या है, हमने लगाया हाँ पूरा क्या चाहिए मैम, मॉइस्चराइजर को लगाने का तरीका क्या है, हाथ में लिया और लेने के बाद कैमरा टीवी पे देख लो आप लोग जिनको नहीं दिख रहा है, ठीक है, हाथ में लिया और लगाने के बाद में इसको मसाज करके और पूरा का पूरा अंदर कर दिया। मैंने कितना सारा मॉइस्चराइजर लिया मगर ये पूरा स्किन में चला गया और ना स्टिकी है ना कुछ। इसकी वजह यह है कि ये जो मॉइस्चराइजर है ये वाटर बेस्ड है, आसानी से पेनिट्रेट होता है। मैं जो भी मॉइस्चराइजर रिकमेंड करूंगी आप लोगों को, ये वाटर बेस्ड है, सब आसानी से चले जाते हैं स्किन में, और स्किन में जाने का फायदा ये है कि आपकी स्किन ज्यादा मेंटेन रहती है। तो आज मैंने आप लोगों को मेरी अच्छी स्किन का सीक्रेट बता दिया, ठीक है। ये जो है आपको ये है क्या मतलब व्हाइट डॉट 2-3 कारण से आते हैं। एक आता है कैल्शियम डेफिशिएंसी से, बट वो चेहरे पे आता है, ये कई बार कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी होता है या फिर तेल के छींटे पड़े हैं उसकी वजह से, हार्मोनल बैलेंस बोले वो भी कारण हो सकता है, ठीक है। अभी दोनों हाथ में डिफरेंस देखिए, फर्क दिख रहा है दोनों हाथ में डिफरेंस दिख रहा है, इस पर मैंने लगाया इस पर नहीं लगाया, जस्ट मॉइस्चराइजर लगाया है और यही तरीका है। तो अगर कहीं पर भी सोराइसिस वालों को भी यही लगाने देना है, हमने भी यही लगाना है, हमको थोड़ी कम क्वांटिटी लगेगी, सोराइसिस वालों को ज्यादा लगेगी। अगर किसी को डायबिटीज है आप उसको बता दीजिए, डायबिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्किन के इन्फेक्शन की और शुरुआत भी वहीं से होती है। उसमें हेयर भी होते हैं ना क्या? हेयर फॉल भी होता है, वो तो बहुत सारी चीजें हैं बट स्किन से रिलेटेड, क्योंकि मेरे घर में एक पेशेंट हुई है उसकी वजह थी कि उनके पैर में ड्राइनेस थी, इचिंग विचिंग करती रहती थी, मेरी जिठानी की बात है, ठीक है, 45 साल में उसकी डेथ हो गई पैर कटवाने के बाद, घर की बात है, मेरी रियल जिठानी मेरे से बड़ी वाली। सो इचिंग होती थी, बहुत ऐसे छोटे छोटे घाव हुए और ठंड हमारे यहाँ बहुत पड़ती है, ठंड में वो घाव और बढ़ गए और बाद में नौबत आई पैर कटाने की, पैर कटाने के बाद में हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई 45 साल की उम्र में। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो अभी मुझे भी इचिंग होती है क्योंकि मुझे भी डायबिटीज है, मगर मैं क्या करती हूँ रात में मैं बीच में उठ के इचिंग नहीं करती, मॉइस्चराइजर लेती हूँ खूब सारा लगा के मसाज कर दी। मेरे पैर भी आप लोग देखो कहीं लग रहे हैं कुछ, क्यों? क्योंकि मॉइस्चराइजर मेरा बहुत पेल रहता है। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसका अगर हम ध्यान रखते हैं तो अपने आप को भी मेंटेन रख पाते हैं और दूसरों को भी गाइड कर पाते हैं, बट ध्यान रखना बहुत जरूरी। और चूंकि हम जिस प्रोफेशन में है जो दिखता है वही बिकता है, तो अगर मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आप स्किन का केयर करो तो आप मेरी तरफ देखोगे ना क्या आप कर रहे हो, ठीक है। तो जब मैं कर रही हूँ तो मेरी बात आपको समझ में आएगी, बट अगर मैं नहीं कर रही हूँ मेरी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम है तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए सबसे पहले क्या बताया नेहा मैम ने, सीटीएमपी क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर। क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर के फायदे मुझे बताओ कोई, क्या क्या सीखा आप लोगों ने? यही एक 4 फायदे, बट टोनर कई लोग स्किप कर रहे होंगे फिर से इतना सुनने के बाद में भी, तो मैं आपको बताऊं टोनर के 4-4 फायदे। पहला फायदा जो मैम ने बताया, दूसरा फायदा टैन भी रिमूव करता है, तीसरा फायदा हमारी स्किन की पीएच को भी बैलेंस करता है, नमी को मेंटेन करता है। फिर जब हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो मॉइस्चराइजर क्या होता है, लॉक होता है, और जब मॉइस्चराइजर लॉक रहेगा स्किन में मॉइस्चर रहेगा तो आपकी स्किन यंग और हमेशा हेल्दी लगेगी, राइट? तो ये सारे फायदे हैं, इसीलिए सीटीएमपी कंपल्सरी है।
आई नो अचानक से आप लोगों के पॉकेट पे थोड़ा सा वजन पड़ रहा होगा, बट बिलीव मी ये कभी उतना नहीं होगा जितना बाहर जाके आप फीस पे कर। Yes. ठीक, बाहर अगर आप इस कोर्स की 50-60 हजार भी फीस पे करते, रियलिटी तो ये है कि 2 लाख लेके भी कोई इतना नहीं सिखाता, ना इस तरीके से सिखाता जिस तरीके से हम लोग सिखा रहे हैं, फिर भी वो पैसे, फीस के पैसे बहुत ज्यादा होते आपको ये छोटे मोटे खर्चे से। और हम तो आपको साथ साथ में ये भी सिखा रहे हैं कि खर्चे का पैसा खुद कैसे निकालना है। तो हम जाए इस पे, इस बात पे। Yes. ये 1250 आपका 5 हजार बना सकता है। कैसे बना सकता है? मार्कर नहीं है यहाँ? हाँ, ये मॉइस्चराइजर आप लोग सब लोग ट्राई कर लो। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं मंगा लूँ। ठीक है, क्योंकि है बॉडी के लिए ये ऑल स्किन टाइप का बॉर्डर भेजा। पहले सब लोग ट्राई कर लो एक हाथ पे, एक दूसरे को। हाँ, बच्चे जेंट्स सब वाटर बेस्ड है, विटामिन ई है इसमें, एसेंशियल ऑयल है और उसके बाद में एलोवेरा भी है। ठीक है, तो एक बार सब लोग ट्राई कर लो, अच्छा लगे तो ऑर्डर कर देना। कुछ कपड़ा नहीं है बस। ओके, जैसे मैंने कहा तो अगर एक का सेट लेना हो तो आपको पड़ रहा है डिस्काउंट प्राइस पे 480 रुपया। एमआरपी से तो बहुत ज्यादा होता है, बट डिस्काउंट प्राइस पे आपको ये पड़ रहा है 480। बट यहीं पर आप 10 सेट लेते हो तो आपको 1260 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है, तो 1260 डिवाइडेड 10। कई लोग इसमें कंजूसी कर लेते हैं, 2 कैप्सूल की जगह 1 कैप्सूल डाल लेते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी 2 ही डाले। ठीक है, तो आपका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जरूरी है, खर्चे में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा बट रिजल्ट में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई? 126 रुपया, और आप ले रहे हो मिनिमम 500 रुपया। ऊपर जो ले सकता है ले लो, बट मिनिमम 500, 500 से कम मत करना। यस, हाँ, अच्छा अच्छा बैठे ना नीचे बस क्लास। ठीक है, तो आपका कितना बच रहा है? एक पे 500 माइनस 126 कितना बच रहा है आपका? 374 रुपीज पर हेयर स्पा बच रहा है अगर आप 500 ले रहे हो। अगर 500 से ज्यादा ले रहे हो तो उससे ज्यादा बचेगा, इससे कम मत जाना क्योंकि उतना वर्थ है, प्रोडक्ट लग जाता है। हम लोग 800 ले रहे हैं, 2000 रुपए है अभी ऑफर चल रहा है, इनॉग्रेशन ऑफर, इसीलिए 800 ले रहे हैं। हम कभी भी इसका प्राइस बढ़ा सकते हैं, लोग तैयार, लोग हमको 2000 देने भी तैयार है। मुंबई में मेरी फ्रेंड है, वो 2000 ले रहे हैं इसी हेयर स्पा, क्योंकि बाकी हेयर स्पा से इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसमें प्रोडक्ट ज्यादा लगता है, इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो आप इसका 1000 रुपए भी चार्ज ले सकते हो तो ले, डिपेंड आपके हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से। आप 1000 बता के कम कर लो, 500 बोलोगे तो और कम कराएंगे। ठीक है, तो आप 1000 बताओ, 1000 से जो भी कम कर सकते हो करवा दो। ठीक है, तो आपका 10 आपने कर लिए, तो क्या करोगे? ठीक, तो आप कमा ले रहे हो 3,700 रुपए। ठीक है, और एक हफ्ते के अंदर इस सैटरडे के पहले जिसने 10 कंप्लीट कर लिए उसके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। ठीक, जिसने 10 कंप्लीट कर लिए अपने उसको मेरी तरफ से गिफ्ट है। पहला तो 3,500-4,000 कमा लोगे, पहला फायदा, और दूसरा फायदा मेरी तरफ से गिफ्ट। ठीक, और ये अगर 10 कर लिए ना तो इतना यकीन मानना कि आप इस कोर्स के खत्म होने तक आप कम से कम 1 लाख रुपए कमा लो। ठीक, तो ये कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं मेरा ये चैलेंज? कर लेंगे? 10 कस्टमर करना है। पहला फायदा 3,740 रुपए कमा लोगे, दूसरा फायदा मुझसे गिफ्ट मिल जाएगा, और गुरु की ब्लेसिंग्स और गुरु का गिफ्ट बहुत मायने रखता है।
ठीक है, मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा और इतना यकीन मानना कि अगर इस हफ्ते में 10 कर लिए तो ये कोर्स खत्म होने के पहले पहले तक लाख रुपए अपना कमा लोगे, ठीक, क्योंकि यही 10 लोग मल्टीप्लाई होंगे आपके इतने ज्यादा कि आपका आपको घर वालों से 1 रुपया लेना नहीं पड़ेगा, उल्टा हस्बैंड को बर्थडे पे गिफ्ट दे दोगे, ठीक है, या घर में जो भी है उनको गिफ्ट दे दोगे, राइट। कितने लोग एक्सेप्ट करने तैयार है मेरा ये चैलेंज? बाकी लोग क्यों विश्वास नहीं पता चला जाएगा? नहीं जाएगा। एक अगर कोई आता है ना तो आपने आज कोशिश कर के आज कम से कम 2 बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। आपको जो गॉसिपिंग का टाइम था, टीवी वाले टाइम था, ठीक है। अच्छा, कितने लोग कहते हैं मेरे पास फाइल नहीं है, कितने लोग बोलते हैं मैं यहाँ तक क्यों पहुंची हूँ, मुझे आज 15 साल से ज्यादा हो गया मैंने टीवी नहीं देखा, ठीक है, मैंने टीवी नहीं देखा 15 साल से ज्यादा हो गया। मेरे मोबाइल पे यूट्यूब बस है, मेरे मोबाइल पे फेसबुक नहीं है, मेरे मोबाइल पे इंस्टाग्राम नहीं है, मेरे मोबाइल पे कोई भी सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ यूट्यूब है। यूट्यूब पे मैं क्या देखती हूँ, मैं शार्क टैंक देखती हूँ, मैं डॉक्टर बिंद्रा के जो वीडियोस होते हैं वो देखती हूँ, उसके अलावा सेल्स से रिलेटेड कुछ नई चीज आती है तो देखती हूँ, ब्यूटी से रिलेटेड कोई चीज आती है तो वो देखती हूँ, कोई फालतू की चीज नहीं। उसका नतीजा क्या है, ठीक, उसका नतीजा आप सब, ठीक, उसका नतीजा आप सब हो, राइट। एक कमजोर इंसान दूसरे कमजोर इंसान की मदद नहीं कर सकता, तो अगर किसी को हेल्प करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, पहले कहां से, ठीक है। जब तक आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप फिजिकली नहीं हो सकते और फाइनेंशियली नहीं हो सकते, तो ठीक है, मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा वो होगी जब टीवी देखना बंद कर, अगर कर सकते हो तो कर, मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी, सीरियल्स देखना बंद कर दो, जितना कचरा इन सीरियल्स में हमारे दिमाग में जाता है उतना दुनिया की कोई गंदगी नहीं डालता, राइट। टीवी सबसे बड़ी बीमारी है, पहले टीवी देख के मरता था इंसान, आज टीवी देख के मानसिक बीमार होता, ठीक है, मैंने 15 साल हो गए टीवी नहीं देखा, हो सके तो टीवी देखना, टाइम अपने आप 2 घंटे निकल जाएगा। अब जो बैठ के हम गॉसिपिंग करते हैं, इसका उसकी उसका उसकी इसका उसकी, उस समय पे क्या बात करनी है, नॉलेज से रिलेटेड अपने आप। अच्छा, कोई भी इंसान किसकी बात सुनता है, खुद की, नहीं, कोई भी इंसान उस इंसान की बात सुनता है जो उससे थोड़ा सा सुपीरियर होता है, ठीक है। अगर आप सुपीरियर नहीं हो तो आपने देखा होगा जो वर्किंग मदर है, जो पैसा कमा रही है, ठीक है, और जो थोड़ी नॉलेजेबल मदर है, उनके बच्चे उनके साथ में जो बिहेव करते हैं, और एक हाउस वाइफ है उनके बच्चे उनके साथ जो बिहेव करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, yes. ठीक, एक समय के बाद बच्चे भी आपकी बात नहीं सुनते, अगर आप उनसे सुपीरियर नहीं लग रहे हैं उनको, तो बोलते हैं ना बच्चे, मम्मा तुमको नहीं आता कुछ, ठीक, और सॉरी बट हम लोग भी हमारी मदर को बोलते मम्मा आपको नहीं पता, राइट। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे ऐसा बोले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लेवल पे, जरूरी नहीं है हर फील्ड पे हो, बट कुछ फील्ड पे तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, प्रोफेशनल बनाना है, ठीक। तुम लोगों को मैंने डांटा, किसी को बुरा नहीं लगा, शांत करने बोला, सब शांत हो गए, क्यों, क्योंकि तुम ये मानते हो कि मैम को मुझसे हमसे ज्यादा आता है, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे लेवल पे आ जाऊँ तो क्या मेरी बात सुनोगे, आपस में एक दूसरे को चुप करा के दिखाओ, कोई भी चुप हो जाए, नहीं होगा, क्यों, तो हमेशा ध्यान रखना, आज की डेट में पैसा आपके अकाउंट में है, पैसे का पावर एक लिमिट के बाद खत्म हो जाता है, नॉलेज कौन सा पावर काम करता है, नॉलेज का, तो अपने नॉलेज को इतना इनहेंस करना है कि आपको हर कोई अलग देखना शुरू करे, और जब अलग देखना शुरू करेगा तो क्या होगा, अपने आप सुनेगा तो आपका बिजनेस होगा, तो ये टास्क है, जो कर लेगा
तो एग्जाम में इसका के थी एग्जाम की यही सब एग्जाम चलते रहेंगे पूरे 6 महीने, ठीक है? समझ में आया? हाँ, ये कितना भी हाइपर सेंसिटिव सबके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है? ये 264 रुपए एमआरपी है, शायद डीपी प्राइस जो भी होगी बता देंगे अभी। बहुत अच्छा है। हाँ बोलिए। जिनको ईचिंग की प्रॉब्लम है, जिनको सराइसिस, जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको सिर्फ पैसे ही लगाना है। वाटर बेस्ड है, आसानी से पेनिट्रेट होता है, बहुत ही शानदार है। रिजल्ट आप लोग खुद फील करोगे। दिन भर आज लगा के रखो, कोशिश करो एक मंथ में लगाओ। इसका 264 रुपीज एमआरपी है, डीपी से भी कम होगा, डिस्काउंट हो जाएगा, 15%, ठीक है? तो वो इसमें डिस्काउंट भी हो जाएगा। और आप लोगों के लिए स्कीम्स वगैरह ऑफर वगैरह आते रहते हैं। बाउल दिखाना, ये टोटल बाउल की कीमत जो है वो पूरे 4000, ये टोटल चारों बाउल की कीमत जो है वो है 350 रुपीज, ठीक है? अगर चारों एक साइड में ले, एक साथ में ले रहे हो तो 50% ऑफ पे 174.5 में है। अगर खुला खुला लोगे तो 30% डिस्काउंट। बेहतर है पूरा सेट ले लोगे तो आपके लिए फायदेमंद है। लगने हैं चारों बाउल की अपनी जगह है, चारों बाउल के अपने काम है, इसलिए लगने चारों है। तो आप लोग अगर लेना चाहो तो ले सकते हैं। समझ में नहीं आया, सब लोग शांत हो जाओ। अगर आप एक सेट लेते हो हेयर स्पा का तो 480 का है। क्यों है? इसमें एक टी ट्री ऑयल है, एक सलोन ऑयल है, एक रिवाइटलाइजर का पैक है, एक शॉवर कैप है और दो 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 कैप्सूल है, राइट? इसमें अगर वहीं पर आप 10 सेट लेते हो तो उसमें एक टी ट्री ऑयल है, 3 सलोन ऑयल है, 10 हेयर स्पा है, 20 तीनों कैप्सूल्स है, 10 शॉवर कैप है, ये पूरा सेट है 10 का। तो 10 खरीदेंगे तो 1200 में, एक खरीदेंगे तो 480 में। अब जब 10 खरीदा तो एक की कॉस्ट कितनी आई? 126। मिनिमम 500 लेना है, 500 से कम प्लीज मत लेना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मत लेना, इसका स्टैंडर्ड खराब कर दो। इसके ऊपर जितना जा सकते हो जाओ। सामने वाले को बोलो एक आयुर्वेदिक हेयर स्पा है जिसमें 100% रिजल्ट आएगा, 1000 रुपए प्राइस है। क्या बोलेंगी आजू बाजू वाली भाभी? यार 800-1000 बहुत भावी हो रहा है। तो बोलो कोई बात नहीं भाभी, मैं आपसे ना मेहनत का बिल्कुल नहीं लूंगी, मगर 500 का प्रोडक्ट तो लगता है, ठीक है? तो उतना तो चाहिए ही चाहिए, मतलब एकदम से भी मत आना, निगोशिएट कर लेना। तुम लोगों का अपना अपना निगोशिएशन स्किल कितना है वो देखना पड़ेगा, और जो सबसे ज्यादा प्राइस में करेगा उसके लिए भी गिफ्ट है। तो 500 रुपए भी लिया, मोटा मोटा अंदाज लगा रहे हैं अपन कि 500 भी लिया तो आपका बचता है एक हेयर स्पा पे कितना? 374 रुपए। अगर आपने 10 किए तो आप कितना कमा रहे हो? 3700। आज क्या है? मंडे, मंडे से सैटरडे संडे तक आप लोगों को मैंने एक टास्क दिया है। जिसने भी 10 हेयर स्पा कर लिए क्लाइंट के ऊपर, ठीक है, और पैसे कमा लिए, उसको मेरी तरफ से नेक्स्ट मंडे पे गिफ्ट है, ठीक है? जिसने 10 कंप्लीट किए उसके लिए, ठीक है? तो जिसने 10 कंप्लीट किए उनके लिए गिफ्ट पहला, दूसरा पैसा कमा लोगे, और जिसने ये 10 कंप्लीट कर लिए इसे एक हफ्ते में, मैं गारंटी लिख के दे रही हूँ, वो पूरा 6 महीने कोर्स खत्म होने के पहले महीने पूरा टोटल कम से कम 1 लाख कमा ले। सर्टिफिकेट की डेट है 28 जून, ठीक है? 28 जून को क्या है, मेरा बर्थडे है, ठीक है? तो उस दिन हम लोग एक अवार्ड प्लान कर रहे हैं, अवार्ड प्लान कर रहे हैं, उसका नाम है आत्मनिर्भर नारी। तो जिन लोगों ने भी पैसा कमा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उन सबको हम लोग सर्टिफिकेट करते हैं। आप लोगों को आपका सर्टिफिकेट तो है ही, अगर आप लोगों ने पैसे भी कमा लिए इस कोर्स के दौरान तो आप लोगों को वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। किसने कितना कमाया है पूरा रिकॉर्ड रखना, अभी से डायरी पेन मेंटेन करो, कितना खर्चा किया, कितना कमाया, लास्ट डे पे आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है? पूरे कोर्स में जो फीस दी है वहां से वो खर्चा आएगा। सब लोग अपने पास में एक छोटी डायरी लो, जो भी पैसा खर्च कर रहे हो वो पूरा खर्चा लिखो, जो भी कमा रहे हो वो लिखो। 28 जून को डिक्लेयर करना वहां पर कि आपने टोटल इस कोर्स को करते करते कितना पैसा कमाया। 5 रुपए भी कमाया ना तो भी कमाई महत्वपूर्ण है। उनको भी सबको हम लोग एक सर्टिफिकेट सबको इश्यू कर रहे हैं आत्मनिर्भर नारी। आप लोग पता है मुझे काम करते 25 साल हो गए, बट मैंने आज तक कोई रिवॉर्ड नहीं लिया, अवार्ड नहीं लिया,
इसकी वजह बताओ क्या होता है, जब भी कोई अवार्ड फंक्शन होता है वहां पर ये बोलते हैं हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, साल में 8 मार्च के पहले कम से कम 20 से 25 लोग तो मुझे आते ही हर साल कि मैम हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं। मैं कहती हूँ ठीक है, मैंने काम किए हैं इसलिए देने का बनता है, बट उसके बदले में आप क्या चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था को डोनेशन दे दो, ये कर दो वो कर दो। मैं कहती नहीं देता, अगर आपको लगे कि मैं डिजर्व करती हूँ तो दो, नहीं तो नहीं। तो अवार्ड और सर्टिफिकेट खरीदे और बेचे जाते हैं, बट फैमिली में ना भी ये कभी नहीं होगा। हम हर उस लड़की को सपोर्ट करेंगे जो अपने पैरों पे खड़ी है, इसीलिए हमने अपने अवार्ड का नाम ही रखा है आत्मनिर्भर नारी। वो सर्टिफिकेशन भी उस दिन है और उसी दिन आप लोगों का ये सर्टिफिकेशन भी होगा, डेट फिक्स है, ठीक है। तो दोनों इवेंट है और इस बीच में आप लोगों के जानकारी में जो भी महिलाएं आप जानते हो जो अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं उनको बता दो कि ऐसा सर्टिफिकेशन होता है, क्या आप लेना चाहते हो सर्टिफिकेट, अपना नाम लिख करा। कोई चार्ज नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने किस फील्ड में क्या काम किया है, क्या अचीवमेंट है वो डिक्लेयर करना है। जितने भी लोग होंगे हम सबको देंगे, तो सबके नाम वगैरह आप लोग सब लोग भी इसका सर्वे शुरू कर दो अभी से, जो भी जिनको भी जानते हो और आपको लगता है कि यार इस लड़की ने कुछ तो किया लाइफ में, उन सबको हम लोग सर्टिफिकेट करेंगे, ठीक है। तो उस दिन आप अगर ये कर लिया ना जो मैंने आज कहा, 6 महीने में गारंटेड आप लोग कम से कम 1,00,000 रुपए कमा लो। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हवाई जहाज खड़े हुए में ज्यादा इफेक्टिव है या उड़ने के बाद, ठीक है, दिमाग खुला हुआ ज्यादा फायदेमंद है या बंद, तो हमें क्या करना है, ये करने से आपका दिमाग खुले। अब आप सोचना शुरू करोगे यार किसके ऊपर करो, और किसी से बात करना शुरू, ठीक है। तो किस किस को मेरे यहाँ से अवार्ड चाहिए नेक्स्ट मंडे, चलो सबने दरखास्त कम्प्लीट करने, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने किया है, 10 के रिव्यू चाहिए। हाँ 10 के रिव्यू चाहिए, राइट, थैंक यू, ठीक है। हमने को तो कोई रिव्यू दे नहीं रहा है, 30 लोगों ने टोटल रिव्यू दिया, इससे ज्यादा किसी ने नहीं किया, पता नहीं बाकी सब लोगों को चाहिए अच्छी नहीं लग रही थी। टोटल 126 था इस क्लास को शुरू होने के पहले, अभी 143 था, आई थिंक 20 के आसपास हुआ है बस, मतलब बाकी लोगों ने नहीं दिया। तो अगर रिव्यू देना शुरू करोगे तो मिलेगा भी, जब आप सिंपल है एक्शन का रिफ्लेक्शन होता है, जब आप किसी के अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो आपके अच्छे काम को कोई और अप्रिशिएट नहीं करेगा। ये दुनिया है में लेन देन बड़ा क्लियर है, सब यही के यही है, ठीक है। जो दोगे वही मिलेगा, दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे बदले में मिलेगी, दूसरों को अप्रिशिएशन दोगे तो बदले में मिलेगा। तो लाइफ में जो जो चाहिए उसके एक लिस्ट बनाओ, उसके बदले में लिखो कि वो हमको देना पड़ेगा, राइट, क्लियर। चलिए कितना बच गया, 11:40 इंटर कितना टाइम कंप्लीट हुआ, 3 मिनट हो गए। मैम आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि इसको रखने के बाद में 1 घंटे रखना होता है, उसके बाद ही वॉश करते हैं। 15 मिनट का टाइम है, इस बीच में तुम लोग कुछ पूछना है किसी को। मैम सबसे अच्छा हमको, मुझे तो अच्छा लगा कि आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने की बजाय इधर ही हम आपके इस कोर्स में सेल्स भी होगा, मार्केटिंग भी होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। हमने पहले नहीं बोली ये सारी चीजें क्योंकि हम लोग जो बोल रहे थे वही तो हजम नहीं हो रहा था, हमने ये सब चीजें नहीं बोला। और वेबिनार का अगर मैं ये बोलूं कि वेबिनार का मतलब और रजनी ठाकुर का मतलब अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी है तो गलत नहीं होगा। तो हम जो बोलते हैं उससे 10 गुना ज्यादा करते हैं, ये हमारी खासियत है। और आज से नहीं, ये जिस दिन मैंने काम करना शुरू किया उस दिन से लेके अब तक, ठीक है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमने बोला नहीं था, सेल्स मार्केटिंग हमने बोला नहीं था, बट इतना तय है और इतना मतलब पिछले पूरा रिकॉर्ड है, जितने भी बच्चों ने सीरियसली सीखा आज एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कमा नहीं रहा। 10,000 में से 9,000 बच्चे ये मान के चलो कमा रहे, और जो 1,000 थे वो यूनिक थे जिनको नहीं समझ में आया, मगर जिनको समझ में आया वो आज कमा रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा। यही वजह है कि हमारे हर ब्रांच में हमारे स्टूडेंट आपको मिले, ठीक। कहते ना मिठाई मिठाई वो क्या, मिठाई वाला अपनी मिठाई नहीं खाता, बट हम वो मिठाइया है जो खुद की मिठाई भी खाते हैं, मतलब हमारे बच्चों को नौकरी भी देते हैं कि आपको मालूम है हमने क्या सीखा है, ठीक है। कितना भी कम सीखा होगा कुछ तो सीखा होगा, बाहर वालों से तो ज्यादा ही सीखा होगा, ठीक है। यही एक वजह है।
तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगी। आप लोग जब आए थे और अब जब जाओगे, दोनों में जो अंतर होगा ना, वो आप खुद एक्सप्लेन करोगे उसे कि हमें क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। कोई सवाल है किसी का? और मैं आप लोगों को बाद में कुछ और भी चीजें सिखाऊंगी। जिसमे पैसे लेना है, ठीक है, पूरे परिवार को बिठा के कर दो। बिना पैसे वाला नहीं चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। सीरियसली बेटा, प्रॉमिस मी कि जितने भी आप लोग यहाँ पर सीरियसली सीखोगे, वो 6 महीने बाद अपने आप को एक अलग जोन में पाओगे। ठीक, बट जो कहे उसको ना ब्लाइंड फॉलो करें। मैंने अपने सीनियर्स को ब्लाइंड फॉलो किया है, उसका नतीजा हूं मैं आज। लाइन फॉलो करना और आप कुछ ना कुछ बन जाओगे। मेरी डांट को ना हमारे पुराने स्टाफ और बच्चे सब लोग प्रसाद बोलते हैं। ठीक है, तो आपस में बात होती है, ठीक है, आज प्रसाद मिल गया। ठीक है, तो वैसे ही समझना इसको, बिल्कुल नेगेटिव मत लेना। तो उसको बिल्कुल साथ के तौर पर लेना। ठीक है, कोई बुरा मत मानना। मानोगे तो तुम्हारे लिए, नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप से चेंज नहीं करने वाली। मैम, मेरे एक को मैंने हेयर स्पा विथ हेयर कलर दिया है अपने वाला, तो 1 आवर में उसका कलर नहीं आया। कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी। जब मैं कलर दिखाऊंगी उस समय पे आप फिर से देखना कहाँ मिस्टेक हुई। पॉसिबल ही नहीं है। कल ही मैंने अपने बालों में कलर लगवाया शाम को, ठीक है, देख सकते हो। और हार्डली मैंने शायद 40-45 मिनट भी लगाया होगा। मैं खुद ही यही कलर लगाती हूँ, कल ही रात में। क्या कलर वालों के लिए टीम को? नहीं, कलर जब सिखाएंगे उसके बाद ही करेंगे। ठीक है, हेयर स्पा, हेयर स्पा दिखाया है कल या परसों। ठीक है, कलर भी सिखाऊंगे। ठीक है, हेयर स्पा नहीं, म्यूट कर दो, एक एक करके सवाल पूछो। ओके, अनम्यूट करती हूँ सबको। पढ़ के बताओगे बेहतर है। मेरा ब्लैक ब्राउन है, वही लगा रही हूँ तेरा। कल भी शाम को तेल लगा दी, उसके बाद बाल अच्छे से वॉश हो जाते हैं। हाँ रजनी मैम, हाँ रजनी मैम, मैं यूज की अपने कलर जो दिए थे ना आपने, ब्लैक कलर पेंट को यूज की, सेम प्रोसेस की, उसमें फ्लेक्स ऑयल, रोबिका वगैरह, विटामिन ई, और पहले मसाज वगैरह, बट उनके बाल इतने ग्रे थे कि उनको 1 घंटे में कलर नहीं आया। फिर मैं उनको ज्यादा टाइम रखने, बाल कितना भी ग्रे हो 40 मिनट में कलर आ जाता है। ठीक है, आपने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी। जब मैं कल या परसों सिखाऊंगी आप लोगों को कलर करना, उस समय पे आपको आपकी मिस्टेक पता चल जाएगी। ठीक है, ओके मैम। और नेक्स्ट टाइम उसको दही भी सूट नहीं होता और अंडा भी सूट नहीं होता, तो 2 बार मैंने उनको दिया, बट वो बोले कि मेरे को दही से इचिंग भी आती है। आप कलर की बात कर रहे हो या आप इसकी बात कर रहे हो, स्पा की बात कर रहे हो? स्पा प्लस कलर मैम, दोनों भी। प्लस वाला कोई बात नहीं कर रही, सेम एट ए टाइम किया दोनों भी। हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे। मैं अभी बात कर रही हूँ आज हेयर स्पा की। तो हेयर स्पा में जो तरीका मैंने आज बताया वही तरीका था। ओके, आपने कहा अंडा और दही दोनों सूट नहीं करता। ठीक है, तो अंडा दही सूट नहीं करता, क्यों नहीं करता? सवाल पूछा उससे? उनको इचिंग इचिंग आती है मैम, और उसको पहले पहले एक सेकेंड रुका। इस सवाल से आप लोगों को 2-3 चीजें सीखनी है। क्लाइंट ने कहा कि मुझे इचिंग आती है, कब आ रही थी इचिंग? जब उसने डायरेक्टली दही लगाया होगा तब।
राइट, उसने जब डायरेक्टली स्कैल्प पे अंडा लगाया होगा तब आप पहले क्या कर रहे हो, पहले आप क्या कर रहे हो, ऑयल लगा ऑयल मसाज लगा रहे हो, ढेर सारा, राइट। हाँ ठीक है, तो स्टिंग कब होती है, जब ड्राइनेस होती है, जब ड्राइनेस नहीं होती तो इचिंग नहीं होगी। हम सबसे पहले बेस में ऑयल क्यों लगा रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाए और आने वाला जो इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत हार्ड है, वो इंग्रेडिएंट भी उसकी ड्राइनेस को बढ़ा ना पाए, राइट। तो उसको ये बोलो कि मैडम आपने जो किया था, कंपैरिजन क्या होता है, एप्पल टू एप्पल होता है या एप्पल टू ऑरेंज होता है, एप्पल टू सेम चीज। उन्होंने जब ये लगाया था अंडा या दही, उस वक्त उन्होंने ऑयल नहीं लगाया था, इसलिए उनको इचिंग हुई थी। अब जो हमारा ये प्रोसीजर है उसमें किसी को कुछ नहीं होगा, क्लियर। अच्छा, यस मैम। वो जब कोई सवाल है, कोई कुछ बोलता है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है उस पर एक नया सवाल करो। yes. और मैं, आप लोग सवाल करोगे मैं बहुत खुश रहूंगी, क्योंकि जितने आप सवाल करोगे उतने आंसर आपके पास में इकट्ठे हैं, राइट। अभी सीखने मिला ना, अभी आपको बहुत सारे भांति भांति के लोग मिलेंगे जब आप काम करने जाओगे। सबके अपने अपनी चीजें होंगी, कुछ लोगों को रियलिटी में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का हुआ है, किसी ने कुछ सुना है, राइट। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे, इनको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन को किल करना चाहिए या ऑब्जेक्शन को हैंडल करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। हैंडल करने का सही तरीका क्या है, ऑब्जेक्शन पे क्वेश्चन करना। अभी उन्होंने जब कहा इचिंग हो रही है, तो मैंने क्या कहा कि कब हो रही है, ड्राई पे लगाने पर हो रही है या तेल लगाने पे हो रही है, आंसर क्या आएगा, ड्राई पे हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, ऑयल लगा के कर रहे हैं, राइट। तो हमेशा ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाता है, किल नहीं किया जाता, ठीक है। जब सवाल पूछोगे सामने वाले के दिमाग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर वो हमारे पास सुनेगा। यस, कोई और सवाल, वो जो है ना वो क्लाइंट कंटिन्यू आ रही है मेरे पास में, उसको दही और अंडा दोनों भी नहीं यूज करना है, तो मैं ऑयल और वाटर के साथ उसको करके दे रही हूँ, तो वो ठीक है, बोल उसको ठीक लग रहा है। काम करो, एक दिन ना उसको बिना बताए अंडा डाल के दे, ठीक है, साइकोलॉजिकल बीमारी होगी, राइट। अगर उसको इचिंग होने लगे तो तुरंत धुला देना, कुछ हो गया था और ना हो जाए, तीन दिन बाद बताना, तीन दिन के पहले मत बताना, क्योंकि हो सकता है बाद में हो जाए, साइकोलॉजी खत्म हो जाए, साइकोलॉजी इंसान खत्म हो जाए। कौन सा लगाना चाहिए शैम्पू और कंडीशनर के लिए, मेरे पास में तीन चार पांच ऑप्शन है, आप लोग बोलो तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। वरुण कलर का ले आना, कंप्यूटर नट पर ले आना, टीची अर्निंग का हेयर फॉल, उसके बाद में ये भी ले आना, शैम्पू कर सकते हैं, शैम्पू करते सकते हैं, शैम्पू आप जो लगा रहे हो उसमें पैराफिन नहीं होना चाहिए, उसमें सल्फेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सल्फेट और पैराफिन होगा तो बाल को लॉन्ग टर्म बाद नुकसान करेगा, ठीक है। हम लोग प्रोफेशनल शैम्पूस बताते हैं सबको, और प्रोफेशनल शैम्पूस लोगों को फायदा करते हैं, इसीलिए वो बताते हैं। तो ऑप्शन बता दे रहे हैं जिसको चाहिए है और आगे सेल करने के लिए भी। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो रियल में पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, मैं उसकी क्लास अलग से, ठीक है। किस दिन आप लोग सब लोग एक घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लेके आ सकते हो, कल या परसों में ना आपको पैसा कैसे एक्स्ट्रा कमाना है वो सिखा देती हूँ, ठीक है। परसों जहाँ से, हाँ परसों, कल परसों नहीं, और ठीक है आप लोग ठीक हो जाएंगे, या फिर काम करेंगे,
उस दिन हम लोग ये क्लास नहीं बनते हैं बहुत प्यारी होने वाली है छुट्टी लेके काम के वीकेंड में ना वन डे फिक्स मैं आप लोगों को पैसे कैसे कमाना है वो भी सिखाऊंगी और कैसे एक बड़ी इनकम करते हैं वो सब भी सिखाऊंगी। मैंने सेल्स और स्किल में आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं 25 साल में 5 कारें गिफ्ट मिली हैं। छठवीं कार का 4 लाख रुपए मेरे कार फंड में इकट्ठा है, ठीक है, और मैंने कम से कम करोड़ों रुपए कमाए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने अपने इस करियर के दौरान की है क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग में जो जो चीजें चाहिए होती है एक्सपेक्टेड वो ऑलमोस्ट सब नहीं बोलूंगी फिर भी 90% मुझे आते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सिखाऊं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी माँ ने मुझे एक चीज सिखाई थी खिलाने में और सिखाने में कंजूसी मत करना। मैं बहुत दिलेरी से सिखाती हूँ, ये बिल्कुल नहीं सोचती कि आपने मुझे पे क्या किया है, मैं ये सोचती हूँ मैं क्या दे सकती हूँ। यस ठीक है, तो वो रहेगा आप लोगों को सिखाते हैं। अपनी तो आप लोगों को शैम्पू बता देती हूँ, 4-5 ऑप्शन है मेरे पास में, 5 ऑप्शन देख लो। अगर इनमें से जो भी आप लोगों को क्या बताया 26 जैन को क्लासेस वैसे तो नहीं प्लान था, आप लोग बोलो तो रख लेंगे, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो छुट्टी चाहिए बच्चों की, नेशनल हॉलीडे है इसीलिए हम ऑफिशियली आप लोगों को नहीं बुला सकते, अनऑफिशियली जिसको आना है आज, ठीक है। ये आप लोगों का परमानेंट माइका है, ठीक है। पीसीओडी का परमानेंट सोल्यूशन मैंने ढूंढा है मेरे खुद का, ठीक है। मुझे 30 साल मैंने पीसीओडी सफर किया। पीसीओडी होता क्या है कई लोगों को नहीं पता है, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पीरियड्स जो है इरेगुलर होते हैं, उसके बाद में पीरियड्स में जो थक्के आते हैं ब्लॉटिंग होती है वो सिम्टम है कि हमको पीसीओडी, ठीक है। तो पीसीओडी में होता ये है कि हमारा जो ब्लड है वो फ्लश ना होके जो ये रहती है ओवरीज होती है उसके पास में गुच्छे बन के जमा हो जाता है और धीरे धीरे वो गुच्छे टूटते रहते हैं तब हमको क्लॉटिंग दिखती है, वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ये प्रॉब्लम आज की डेट में हर तीसरी लड़की को है, मतलब 1-2-3 दिन है तीसरी लड़कियों को पीसीओडी है, और शायद मैं कहूँगी सेकेंड लड़की को है और 2 में से 1 लड़की को है तो भी गलत नहीं होगा, तीसरे को तो है ही। और इसका इससे जो लड़कियां सफर करती है उनके सिम्टम होते हैं हेयर फॉल होना, ठीक है, पिंपल्स होना चेहरे में, मूड स्विंग होना, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत चिड़चिड़ा होना, ये सारे जो है सिम्टम है। पीरियड समय पे ना आना, अगर आ भी रहा है मगर क्लॉटिंग आना, ये सारी चीजें मैंने सफर किया है। मेरे 2-2 साल तक भी पीरियड्स नहीं आते थे और जब आते थे तो दवाइयों से आते थे और फिर बंद करने के लिए भी दवाइयां लेनी पड़ती, चालू हुआ फिर बंद नहीं होना है, बंद हुआ तो फिर वो आना नहीं है। ये प्रॉब्लम मैंने 20 साल सफर किया बट मैंने उसको परमानेंट ठीक किया है, परमानेंट ठीक किया और मेरे अभी 2-3 साल से अब एकदम रेगुलर हुआ हर चीज। अब पीसीओडी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। और एक और चीज है, पीसीओडी 2 तरीके से ज्यादा इफेक्ट करता है, एक तो शारीरिक तो करता ही है मानसिक भी करता है। मानसिक कंट्रोल मैंने कर रखा था 20 साल से क्योंकि मैं बिजी थी, बिजी इतनी बिजी थी कि मुझे सोचने भी टाइम नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, इसलिए मैं मेंटली फिट थी। फिजिकली मैंने अपने आप को ठीक किया है। कैसे ठीक कर सकते हैं पीसीओडी को उसके ऊपर किसी दिन हम पूरा लेक्चर लेंगे, अभी अधूरी बात होगी करना। मैं आपका चैलेंज करते हैं पर इस 6 महीने में जो आपके हेयर का प्रॉब्लम हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी विदाउट एनी मेडिसिन, तैयार हो, ठीक है। सो इनका पीसीओडी से ज्यादा सफर हुआ है, बाल ज्यादा चले गए हैं, इनके साथ में हम लोग इसको शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि क्या थेरेपी करनी है और क्या क्या करना है किसी और दिन, क्योंकि अभी अधूरी बात है, वो पूरा एक लंबा प्रोसीजर है। जी मैडम, आज 6 महीने से मेरी पीरियड, मतलब 2 महीने, 3 महीने, एज क्या है मेरी, अभी 45
किसी किसी का 40 के बाद ही मेनोपॉज शुरू हो जाता है, किसी किसी ने जैसे अभी मेरी मम्मी की एज थी तो 53 के आसपास हुआ, तो मेरा भी 53 के आसपास ही होगा। आपकी जल्दी ज्यादा कही, अगर आपके पीरियड जल्दी शुरू हुए थे तो मेनोपॉज जल्दी शुरू होगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो ये जो सिम्टम है ये बेबी अगर इसके पहले कभी नहीं था नहीं, तो ये मेनोपॉज होता, तो ये पीसीओडी नहीं, अच्छा ये पीसीओडी नहीं। पीसीओडी जनरली आजकल जो हो रहा है वो 13-14 साल की उम्र से शुरू हो रहा है, और ज्यादा जो पीक पे होता है वो 25-30 साल के बीच में, प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम आती है, वहां से शुरू हो जाती है। जिसको भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है उसको पीसीओडी डॉक्टर बता नहीं बता है, ठीक है। और पीसीओडी अगर 30-35-40 के बाद डायग्नोस हुआ है तो डॉक्टर आजकल कहते हैं वो भी निकाल, ठीक है, अगर वो सही तरीका नहीं है, ठीक है, वो ठीक है, उसके ऊपर अपन लंबा लेक्चर है, वो एक दिन उसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे ताकि आप लोग लोगों को बता सके क्या सेफ है, कैसे काम करना है, कोई रिस्क तो नहीं है, कुछ हर चीज के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। आप लोग क्वेश्चन निकाल के रखें, अभी अगर आप लोग सच में सीखना चाहते हैं, आप इस कोर्स को ना ये सोचो कि इस 6 महीने में मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है, तो आप लोग सवाल करो, मैं जब जब मिलती हूँ, मैंने लाइफ में बहुत काम किया है, मुझे उम्मीद है कि आपके 100 में से 99.99 सवालों के जवाब में एकदम सही होगी, पूरी उम्मीद है। तो आप लोग सवाल रखो, वो सवाल हो सकता है फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, वो फिजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो, कुछ भी है। जितने सवाल लिखोगे, जितने सवाल पूछोगे, उतना माइंड क्लियर। और अगर 50 लोग हो, 50 ने एक एक सवाल पूछे, मतलब 50 के आंसर आपके पास, जब भी आपके पास में कोई भी सवाल आएगा आप उसके आंसर दे सकते। बेटा मेरा सपना है कि तुम सब लोग यहाँ से निकलो ना तो लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम, ठीक है, और वो पूरा तभी होगा जब तुम लोग पूछोगे, इन्वॉल्व होगे। अभी हम लोग जो किचन के सामने होते हैं, हीट की वजह से भी ये दाग जो आते हैं, हर एक औरत लड़की यही सवाल पूछती कि ये दाग क्यों आते हैं, ये क्यों आते हैं। और सिंपल सी चीज है, जब आंच आएगी तो धूप और आंच दोनों चीज एक ही चीज है। तो जब हम बात करते हैं SPF की, तो SPF के साथ में आपको मैम ने 2 वर्ड सिखाए होंगे, ठीक है, ठीक है, इसमें जो होती है वो 2 रेज, एक होती है ए और एक होती है बी, ठीक। अब इसको बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है, आपको ये समझना है ए फॉर ए राइट, तो ए जो रेज होती है वो एजिंग प्रोसेस करती है, बी जो रेस होती है वो बर्निंग प्रोसेस करती है। अब इन दोनों से प्रोटेक्ट करना है तो क्या करना होता है, SPF का मतलब क्या होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, 1 SPF इक्वल टू 20 मिनट प्रोटेक्शन, 1 SPF आपको 20 मिनट प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके डे वाले मॉइस्चराइजर में, कुछ लोगों ने कल कहा कि हमको डे मॉइस्चराइजर चाहिए, नाइट नहीं चाहिए, नाइट चाहिए डे नहीं चाहिए, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सब डे अलग और नाइट अलग क्यों बनाती हैं, डे वाला जो मॉइस्चराइजर होता है वो फॉर प्रोटेक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। डे वाला मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को हाइड्रेटिंग नहीं करता, प्रोटेक्ट करता है, डिहाइड्रेटेड होने से प्रोटेक्ट करता है, सन से प्रोटेक्ट करता है, UVA से प्रोटेक्ट करता है, रेज से प्रोटेक्ट करता है। डे मॉइस्चराइजर कभी भी आपके लिए अलग से कोई स्पेशल काम नहीं करता, वो सिर्फ क्या काम करता है, चौकीदार का, ठीक है, उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, ठीक, लॉक करना, कवच का काम करना। जो नाइट मॉइस्चराइजर होता है वो रिपेयर करने का काम करता है। अब दिन भर में हमारी स्किन में बहुत सारे प्रोटेक्शन तो आए हैं मगर उसके बाद में हार्म भी तो हो रहा था, ठीक, कभी हार्म हो रहा था धूप से, कभी हार्म हो रहा था आंच से, कभी हार्म हो रहा था किसी भी चीज से। अब जो नाइट मॉइस्चराइजर होता है वो काम क्या करता है, रिपेयर करने का, आपका पूरे दिन में जो डैमेज हुआ था उसको रिपेयर करने का काम क्या कर रहा है, नाइट वाला मॉइस्चराइजर कर रहा है, नाइट क्रीम कर रहा है, ठीक है। तो डे वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, नाइट वाला भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। कल परसों किसी ने कुछ बोला था कि नाइट मुझे नहीं चाहिए, अगर नाइट नहीं लगाओगे
तो डैमेज कभी भी रिपेयर नहीं होगा. तो उनके लिए आंसर ये है कि डे मॉइस्चराइजर भी कंपलसरी है विद एसपीएफ और नाइट मॉइस्चराइजर कंपलसरी है फॉर रिपेयरिंग. ठीक है, अभी शैम्पू के ऊपर मैं डिटेल में बाद में जाऊंगी, फिलहाल थोड़ा सा बता देती हूँ. एक शैम्पू है मुरक्कन अर्गन का. अर्गन मुरक्कन अर्गन क्या काम करता है इसके ऊपर हम डिटेल में जाएंगे. बट ये जितने भी बालों की प्रॉब्लम है उनको सबको ठीक करने का पावर रखता है अर्गन ऑयल. ठीक, अर्गन ऑयल का ये वाला शैम्पू पर ये 500 MRP के रेंज में है, थोड़ा डिस्काउंट के बाद में कम में मिलता है. ये एक है, इसका शैम्पू है, कंडीशनर है और इसी का ऑयल है. अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है, बॉल्डनेस हो रहा है तो इसी का ऑयल है जो काम करता है. तो तीनों चीजों का सेट आता है इसमें. तो एक ऑप्शन ये है. दूसरा है ये है हेना एंड जोजोबा शैम्पू फॉर हेयर फॉल. मगर ये सिर्फ उनके लिए फायदेमंद है जिनके यहाँ कॉर्पोरेशन का पानी है, जिनके यहाँ बोरिंग का पानी आता है उससे इससे बालों के झड़ने लगेंगे. ये कॉर्पोरेशन का पानी आता है उनके लिए रीजनेबल भी है और अच्छा भी है. ठीक है, और ये एक शैम्पू है जो रीजनेबल के हिसाब से मेरा बड़ा फेवरेट है. ये है अर्निका टी ट्री शैम्पू. ठीक है, अर्निका और टी ट्री के फायदे मैंने बहुत सारे बताए हैं. अर्निका भी हर्ब्स है. तो ये वाला बोरिंग वाले पानी पे भी चलता है. ये बहुत डेंड्रफ है लिखा है, पर ये हर तरह के बालों में चलता है. अगर रीजनेबल पे जाना है तो ये शैम्पू है. अब इनके साथ में कंडीशनर जो है दोनों पे ये बहुत अच्छा है, सस्ता और बहुत अच्छा. ये एलोवेरा और आलमंड कंडीशनर है, रीजनेबल भी है बट बहुत ही शानदार है. ठीक है, तो ये वाला कंडीशनर सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मुरक्कन के लिए मुरक्कन वाला है, इसके साथ में ये है. और तीसरा शैम्पू जो है, जो किसी भी तरह के केमिकल ट्रीटेड अगर आपके बाल हैं, आपके बालों में स्पा ने सॉरी केमिकल कलर कराया है, केराटिन कराया है या कोई भी केमिकल टच करवाया है, तो ये शैम्पू और कंडीशनर बहुत अच्छा है. ठीक है, अभी चूंकि मेरे बालों में मैंने बुटॉक्स कराया था तो बुटॉक्स वाला तो शैम्पू करना मैंने बंद कर दिया, तो अभी मेरे बाल मैं इससे ही वॉश करी. ठीक है, हमारे यहाँ पार्लर बैग में इसमें बड़ा साइज भी आता है, 1 लीटर की बॉटल भी आती है. इनमें सब में सेम साइज आते हैं, एक ही साइज आता है. इसमें बड़ा भी आता है, 1 लीटर का भी आता है. तो मैं पर्सनली ये वाला शैम्पू यूज कर रही हूँ, रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं. ये केराटिन वाला है, केराटिन तो जिसको केराटिन की जरूरत है उनके लिए हेयर स्पा के बाद कोई भी शैम्पू. मैं अभी लॉरियल का यूज कर रही हूँ, तो अगर उसको स्किप करके इस ये वाला ले सकते हैं, इसमें 1 लीटर वाले पीस है, वो भी ले सकते हैं. ठीक है, ये जो कंडीशनर है स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हैं. कंडीशनर कभी स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है, बट आपको अगर एक ऐसा सेफ चीज चाहिए जो स्कैल्प पे भी लग जाए और कंडीशनिंग भी करे, तो आप हेयर मास्क पे जा सकते हैं. क्योंकि हेयर मास्क जो है वो स्कैल्प पे लगेगा चलेगा, क्योंकि हेयर स्पा में मास्क यूज करते हैं. yes. और कंडीशनिंग भी करता है. तो अगर आपको डर है कि मेरे से हाथ स्कैल्प पे चला जाता है, तो कंडीशनर की जगह हेयर मास्क यूज एक और चीज, आज के बाद कोई भी किसी और पार्लर गया ना तो गुस्से से आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, हम लोग देंगे. ठीक है, एक और चीज, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको थोड़ा बहुत बिजनेस शुरू करना है ज्वेलरी पे और एक्सेसरीज पे, हम सब लोगों को 50% डिस्काउंट देते हैं, बट ऑल स्टूडेंट को 55% डिस्काउंट देंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए कि सेलिंग के लिए लेके जाना है, प्राइस पूरे पुणे शहर में अपनी प्राइस जैसा कोई प्राइस है ही नहीं. ठीक है, उसके बाद में भी हम 55% आपको डिस्काउंट देंगे. मतलब 100 रुपए की चीज आपको 45 रुपए में आएगी. अब प्राइस टैग 100 रुपए पड़ा है, 45 में आपने खरीदा है, 45 से 100 के बीच में आप जितने में भी बेचोगे वो आपका प्रॉफिट है. तो अगर आपको ले जाना है तो आप मान लो 10,000 का लेके गए, उसमें से आपने 15,000 का बेच भी लिया, फिर भी कुछ प्रोडक्ट बच गया, तो आप बदल के दूसरा ले जा सकते हो. तो आपका इन्वेंट्री डेड नहीं होगा. तो अगर आप लोगों को चाहिए है कि आप थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए लेके जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो. एसेसरीज है, ज्वेलरी है, उस पर फ्लैट, बाकी सबको 50% है, आप लोगों को 55%. ठीक है, ट्रेडिशनल डिस्काउंट है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इसके ऊपर कर लीजिए काम. आ गया सब लोग अपने. ठीक है, चलिए आज कितना बच गया.